सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पोद्दार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल करंट टेक्निकल न्यूज पर। और आज मैं यहां पर बोलने वाला हूं कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस टाइम अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो तो आप घर में बैठ के कंप्यूटर के मदद से काम करना पड़ रहा है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप कोई टीचर हो, तो आपको घर में बैठ के कंप्यूटर के मदद से ऑनलाइन क्लास करने या करने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास करने के लिए आपको एक कंप्यूटर और एक वेबकैम चाहिए। तो क्वेश्चन यही आता है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो वहां पर तो आपको इनबिल्ट वेबकैम मिल जाता है लैपटॉप में। अगर आपके पास एक पीसी है तो आपको सेपरेट से एक वेबकैम परचेस करना है। तो अभी तो सारा कुछ शॉप वगैरह बंद है, तो आप कैसे एक वेबकैम परचेस कर सकते हो? तो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आपके पास तो एक मोबाइल होगा, तो इस मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप इस कैमरा को या फोन कैमरा या बैक कैमरा कोई भी कैमरा को आप वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो और सारा काम कर सकते हो। तो आपका मोबाइल का जो कैमरा है, इस कैमरा को आप कैसे वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो, सारा कुछ प्रोसेस, जितना सारा कुछ प्रोसेस आपको करना होगा इसलिए, तो सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पर मैं डिटेल्स में बोलने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत नेसेसरी, बहुत नॉलेजेबल और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. So friends, मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे आपका मोबाइल का जो कैमरा है, इस कैमरा को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले आपका मोबाइल में और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले मेरा मोबाइल ले लिया, और मोबाइल लेके मैं यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर मोबाइल लेके मैं मोबाइल में प्ले स्टोर में चला गया। और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर लिखो DROID CAM स्पेस वायरलेस, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल में मैं क्लिक किया, और देखो ये इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ पर ये इंस्टॉल लगभग हो गया सर। हाँ, पहले मैं मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, तो इसको ओपन मैं ओपन में क्लिक किया, और ओपन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दो, तो नेक्स्ट कर दिया, और गॉट इट कर दो, तो गॉट इट कर दिया। उसके बाद अलाउ, जो कुछ चाहिए आपको अलाउ कर दो, तो देखो एक वाईफाई आईपी एड्रेस आ गया यहाँ पर। तो इसके बाद मुझे मेरा पीसी में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं, आप देखो मुझे पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लिया, और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर, जो वेबसाइट मैं यहाँ पर लिखता हूँ वही लिखना, DV747AWS यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ पर गोल, इसको गोल में सर्च करो, और सर्च करने के बाद पहले ऑप्शन आप देखो ऐप्स खुल गया यहाँ पर, और देखो ये एंड्रॉयड और ISO के लिए आ गया। तो नीचे आपको थोड़ा सा नीचे जाके डाउनलोड विंडोज क्लाइंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सारा कुछ क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 6.214 लेटेस्ट है, इसको एंड्रॉइड के लिए यहाँ पर इसको डाउनलोड करना होगा। वो ISO के लिए सेकंड वाला, तो इसको आप देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो शो ऑल मैं क्लिक किया, उसके बाद शो इन फोल्डर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और देखो यहाँ पर आ गया यह, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। तो ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, सारा कुछ मिनिमाइज हो गया। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल के लिए। आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्री इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी डेस्कटॉप में एक आइकॉन आ जाएगा, तो ये इंस्टॉल अभी फिनिश हो गया। ये इंस्टॉल डेस्कटॉप में एक आइकॉन आ गया यहाँ पर, अब देखो। तो मोबाइल में मैंने कर लिया, और कंप्यूटर में कर लिया, अभी इसको कनेक्ट कर लें। तो मैंने ओपन करता हूँ इसको, और अभी ये डिवाइस आईपी एड्रेस, तो मोबाइल में जो आईपी एड्रेस था यहाँ पर आप देख सकते हो, या मोबाइल आईपी एड्रेस चला आ गया यहाँ पर। वो आईपी एड्रेस मुझे लिखना है यहाँ पर, वाईफाई आईपी एड्रेस 192.168.0. आप अच्छी तरह से देखो, हाँ लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, सेमी वाईफाई से स्टार्ट कर दिया। अभी देखो मेरा मोबाइल से मैं मेरा कंप्यूटर को देख पा रहा हूँ अच्छी तरह से। आप देखो यहाँ पर कैसे करके मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मोबाइल का कैमरा से कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं अंदर से कर रहा हूँ। अभी मैं बाहर से दिखाता हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्रॉस कर दिया, और अभी मोबाइल में थोड़ा सा सेटिंग करना है पड़ेगा। तो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर को मैं खोल ली यहाँ पर, और यहाँ पर सेटिंग 3 डॉट यहाँ पर सेटिंग में चले जाओ, और सेटिंग में जाने के बाद कैमरा, आप फोन कैमरा बैक कैमरा दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ,
बैक कैमरा या पर फोन कैमरा सिलेक्ट है, तो अभी बैक कैमरा फोन कैमरा दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर फोन कैमरा सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर बाहर से मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ तो कैसे करके ये काम करता है, सारा कुछ अच्छी तरह से दिखाता हूँ और अच्छी तरह से आप भी देखना। सो फ्रेंड्स, अभी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ पर मैं इस फोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और फोन को मैं यहाँ पर ऊपर में रख दिया। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर में मैं फोन को रख दिया और फोन को पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं फोन को ऑन कर दिया और फोन का जो सॉफ्टवेयर जो मैं यहाँ पर इंस्टॉल किया था वो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर दिया, फोन का सॉफ्टवेयर इसको ऑन कर दिया। और उसके बाद मैं इसका कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अभी, तो उसको भी ऑन कर देता हूँ। और अभी पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं मैं सारा कुछ दिखाया, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करता हूँ तो देखो ऐसे करके आपका फोन का जो कैमरा, देखो फोन का कैमरा मैं ढक देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर फोन का कैमरा यहाँ पर ढक देता हूँ और कंप्यूटर ढक गया। तो देखो ऐसे करके आप यूज कर सकते हो, बड़ी आसानी से आप फोन का कैमरा को अच्छी तरह से थोड़ा सा ऐसे करके। हाँ अभी देखो अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, अच्छे करके दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोन को। मैं LG G7 थिंक यू इस फोन से मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देख सकते हो। तो फोन को यहाँ पर मैं फोन को रख दिया और फोन का कैमरा से अभी वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आप देख सकते हो। तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा ब्राउजर ओपन करके, अभी इसको मैं व्हाट्सएप में ले लेता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखा देगा सारा कुछ। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप खोल देता हूँ, मैं देखो व्हाट्सएप गूगल ऐप्स को यहाँ पर खोल देता हूँ। तो यहाँ पर खोल के मैं दिखाता हूँ व्हाट्सएप मेरा, एक्चुअली मैं पहले तो किया व्हाट्सएप वेब, तो अभी तो नहीं लॉगिन करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पर मैं मेरा मुझे सर्च कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप में आ गया और यहाँ पर मुझे अभी व्हाट्सएप कैमरा, मैं कैमरा को ऑन कर देता हूँ व्हाट्सएप कैमरा को। अभी देखो व्हाट्सएप कैमरा ऑन हो गया और मेरा फ़ोन अभी स्टॉप हो गया क्योंकि फ़ोन का कैमरा अभी चल रहा है। यहाँ पर देखो फ़ोन में मैं मेरा फिंगर लेता हूँ और ये स्टॉप, फ़ोन का कैमरा में मैं मेरा फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ, अच्छी तरह से दिखाते हैं। देखो अच्छी तरह से मेरा व्हाट्सएप कैमरा, ऐसे करके आप व्हाट्सएप में भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर मेरा फोन का कैमरा से या भी व्हाट्सएप में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो अच्छी तरह से। देखो मैं फोन का कैमरा को ढक देता हूँ यहाँ पर, देखो फोन का कैमरा को मैं ढकने का कोशिश करता हूँ और ये ढक जाएगा, फोन का कैमरा चल रहा है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वाईफाई वापस सेट कर लो और आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल सेमी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। अगर मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर दो तो सेमी हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो ऐसे करके आप फेसबुक वेब कैमरा कर सकते हो। तो अभी तो बहुत चल रहा है कि वेब कैमरा अभी तो कंप्यूटर का शॉप बंद है, तो आप वेब कैमरा नहीं परचेस कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका मोबाइल को आप वेब कैमरे की तरह यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब अच्छी तरह से देखो मेरा मोबाइल को मैं वेब कैमरे की तरह यूज कर रहा हूँ अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। इसका पिक्चर अच्छी तरह से आप देख सकते हो, व्हाट्सएप पे मैं यहाँ पर वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ। और अभी आप मैं क्रॉस कर देता हूँ, फेसबुक से यूज कर सकते हो और स्काइप सारा कुछ। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए अगर आपके पास कोई वेब कैमरा नहीं है तो आपका मोबाइल तो है, मोबाइल कैमरा को आप वेब कैमरा की तरह यूज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे कैसे करते हैं सारा कुछ मैंने दिखाया, और मोबाइल में स्टॉप हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर में चल रहा है क्योंकि मोबाइल में बैटरी सेव कर रहा है अभी। तो इससे ऐसे करके मैंने उसको ऑन कर दिया, तो कैसे करते सारा कुछ मैंने दिखाया, वहाँ पर सेटिंग में जाके सारा कुछ कर सकते हो। तो मोबाइल को कैमरा को आप देखो यहाँ पर मैं हटाता हूँ इसको, देखो मोबाइल को मैं वहां से हटा दिया और देखो सारा कुछ जितना सारा कुछ चाहिए आप दिखा सकते हो मोबाइल वेबकैम, मोबाइल को आप वेब कैमरे की तरह यूज कर सकते हो, मोबाइल का कैमरा को आप वेब कैमरे की तरह यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपका व्हाट्सएप में यूज कर सकते हो, आपका फेसबुक भी यूज कर सकते हो, आपको सारा कुछ चीजें सारा ऑनलाइन एग्जाम होता है सारा कुछ में आप ये कैमरा को यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से वेब कैमरे की तरह। तो आपको सेपरेट से कोई वेब कैमरा परचेस करने का जरूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है तो कोई बात नहीं, सारा कुछ बड़ी आसानी से मैंने दिखाया और यूज करना अच्छा रहेगा।
तो ठीक है, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा आप कैसे आपका फोन का जो कैमरा है, इस कैमरा को आप वेब कैम की तरह यूज कर सकते हो। पहले आपको फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो अभी इस लॉकडाउन पीरियड में एक वेब कैमरा होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपका मोबाइल का जो कैमरा है, इस कैमरा को आप कैसे वेब कैम की तरह आपका कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हो। वीडियो बहुत नॉलेजेबल, बहुत नेसेसरी और बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि वो भी जान सके उसका फोन का कैमरा को वो कैसे वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल का इंटरेस्टिंग न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।